द प्रेस ऑफ रनिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें जावा थ्योरेटिकल का चल रहा है, जिसमें जावा का हम क्या कर रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट जो है जावा का हम बता रहे हैं, जिसमें हमने दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। पहला जो मेरा था हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी कि प्रोग्रामिंग कहाँ से आया उसके रिगार्डिंग में था, और सेकेंड जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने फ्यूचर ऑफ जावा यानी कि जावा की जो फ्यूचर होते हैं उसके बारे में हमने डीप में बताए थे। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं इसमें आप लोगों को डेडीकेट डाउनलोड करने, सबसे पहले डाउनलोड करने दें, डाउनलोड करने के बाद आपके सिस्टम में विंडो 11 में कैसे इंस्टॉल किया जाता है तो उसको हम सिखाएंगे। तो बिना रेस किए अब क्या करते हैं, हम अपने पैट्रिक्स की ओर चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले गाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, गूगल क्रोम में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे जेडीके 1v4। आपको जेडीके लेके इंटर जेडीके डाउनलोड, जैसे ही ये ऑप्शन आ रहा है इसको क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जेडीके पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे जो जेडीके की ऑफिशियल वेबसाइट देखिए ओरेकल की है जावा, यहाँ पे HTTP जो फर्स्ट वेबसाइट होगा इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ओके, देन यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे जावा का क्या करना है, जो अभी जो मोस्ट है जावा का आप 17 यूज कीजिए जो कि अच्छी होती है। तो आपको क्या करना है, जावा 17 यहाँ पे क्या करना है गाइज, सिलेक्ट करना है जावा 17, आपको क्या करना है सिलेक्ट करना है जो कि अभी जावा 17 ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, इसके बाद यहाँ पे जो है विंडो पे आपको क्या करना है, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, अगर आपके सिस्टम लिनक्स है तो आपको लिनक्स का सिलेक्ट करना है, मैक का है तो मैक, और विंडो का है तो विंडो। तो हम यहाँ विंडो 11 के लिए बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे विंडो पे, देन विंडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करता होगा, यहाँ पे देखिए कि इंस्टॉल 64 पे और इसके बाद MS, तो आपके सिस्टम के कॉन्फिगेशन के अकॉर्डिंग पे कर देना है। तो आपको मिनिमम जो है एवरेज होता है क्या होते हैं ये वाला 64 बिट वाला को आपको क्या करें क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अगर ओके गाइस, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरा डाउनलोड सक्सेसफुल हो गया, तो हम क्या करेंगे राइट फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और डाउनलोड फोल्डर जो होगा वहां पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड फोल्डर, इसको क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके रन एन एडमिनिस्ट्री नाम का यहाँ पे एक होगा, इसको क्या करेंगे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस तुम्हारा ये जो है ये इंस्टॉल होने लगेगा, यहाँ पे हमें यस का ऑप्शन को करेंगे, देन K17 क्या होने लगेगा गाइस, इंस्टॉल होने लगेगा। ओके, यहाँ पे वेट कीजिए, हमारा जो है जेडीके 17 जो है इंस्टॉल हो रहा है। ओके, जस्ट यहाँ पे वेट कीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्क्वाडन, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इस टाइप का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचता रहेगा। यहाँ पे देखिए मेरा ऑलरेडी पहले से 17 क्या है इंस्टॉल है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन को करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन को करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, अगेन आपको क्या करना है नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका स्टेटस जो दिखाएगा, जैसे ही आपका स्टेटस क्या होगा 100% होगा, आपका जो है जेडीके 70 क्या हो जाएगा इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे वेट कीजिए, आपका ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेंगे। ओके, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है, जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड होगा देन आपको हमें यहाँ पे सेटिंग करने बताएंगे कि कैसे सेटिंग होता है। ओके, यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो रहा है इंस्टॉलेशन हो रहा है, सारे कॉपी फाइल जो है आपका भी सिस्टम में सेम एज इट इज ऐसे ही होगा। रजिस्ट्रेशन देखिए स्टेटस आपको यहाँ पे शो कर रहा है, वेट करना है, वेट करना है। ओके, वेट करने के बाद आपका सक्सेसफुल जो होगा गाइड इंस्टॉलेशन हो जाएगा, देन आपको आपके जो है जो आपने दिस ड्राइव में आपने जिस ड्राइव में भी आपने किया वहां पे आपको ये शो करेगा। यहाँ पे देखिए मेरा स्टेटस क्या हो रहा है, चल रहा है, तो आई होप यहाँ पे देखिए मेरा कंप्लीटेड हो गया। देन यहाँ पे आपको क्लोज करना है, देन आपको दिस पीसी में जाना है और सी फोल्डर में आपको जाना है। ओके, यहाँ पे मेरा देखिए सी फोल्डर में जाना है और यहाँ पे आपको प्रोग्राम फाइल नाम का एक होगा प्रोग्राम फाइल, इसमें आपको जावा देखिए यहाँ पे देखिए मेरा जावा आ गया। जावा को क्लिक करके जेडीके 70 को क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जेडीके 70 करके बिन को क्लिक करके सबसे पहला जो है यहाँ पे नीचे जाएंगे तो जावा सी करके आएगा। ओके, यहाँ पे अगर नीचे जाते हैं तो जावा सी करके आता है। ओके, देन यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, इसको कॉपी कर देना, पाथ को यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे एडिट एनवायरनमेंट। ओके, एडिट क्या लिखेंगे, एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, पाथ के ऑप्शन पे जाएंगे और एडिट पे जाएंगे, एडिट के जाने के बाद न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करके देन यहाँ पे हम क्या करेंगे ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा पाथ सेट हो गया, देन यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे ओके कर देंगे।
तुम्हारा पार्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे CMD टाइप करेंगे, CMD टाइप करके यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे जावा जावा और माइनस करेंगे वर्जन। ओके, यहाँ पे चेक कर देंगे कि हमारा कौन सा वर्जन आया है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं, जस्ट वेट कीजिए, हमारा यहाँ पे चेक कराएगा कि कौन सा वर्जन है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जावा का जो 17 वर्जन था ऑलरेडी आ गया। एक बार हम यहाँ पे चेक कर देखें, जावा सी करके जैसे ही इंटर करते हैं तो यहाँ पे आप ऑलरेडी देखिए ये आपका ऑलरेडी पाथ क्या होगा, सेट। तो आपको चेक कैसे करना है कि हमारा पाथ सेट हुआ है कि नहीं, आपको सिंपल आपने पाथ चेक कर दिए। अब हमें क्या, यहाँ पे देखिए मेरा पाथ ऑलरेडी क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, पाथ मेरा सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जिस आईडी पे हमें क्या करेंगे कोडिंग को लिखेंगे, जिस आईडी पे हमने कोडिंग को लिखेंगे उसको क्या करेंगे डाउनलोड करेंगे। तो हमने कोडिंग जो लिखेंगे इक्लिप्स आईडी पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, या इसके बाद हम क्या करेंगे इक्लिप्स आईडी को यूज करेंगे, जो हम कोड लिखेंगे उस आईडी का क्या होगा इक्लिप्स पे। तो यहाँ पे इक्लिप्स को क्या करेंगे डाउनलोड करेंगे, स्क्रिप्ट को जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जस्ट वेट कीजिए, वेट करने के बाद यहाँ पे जो है इक्लिप्स का आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको इक्लिप्स क्या करना है, यहाँ पे 86 या 64 बीच आपको जो है जो भी चाहिए, यहाँ पे जैसे मैं ये वाला चाहिए, इसको हमें डाउनलोड को क्लिक करेंगे, जेन यहाँ पे डाउनलोड किया ऑप्शन आएगा इसको डाउनलोड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए मेरा डाउनलोड चल रहा है जो कि 131 एमबी में है। जब तक डाउनलोड हो रहा है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी तक लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए। इसको हमें पुश कर देते हैं, ऑलरेडी हमारा इक्लिप्स का एक आईडी जो है ऑलरेडी हमने क्या किए गाइस यहाँ पे इंस्टॉल करके, बस आपको इंस्टॉल करना है, देन आपको यहाँ पे सेटअप करना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसको क्लिक करके यहाँ पे आईडी पे प्रोग्राम आपको क्या करना है, यहाँ पे आईडी पे जाना है, आईडी पे आपको क्या करना है प्रोग्राम को क्या करना है लिखना है। तो यहाँ पे वेट कीजिए, हमारा इक्लिप्स आईडी ओपन हो रहा है। ओके, फाइल पे जाना है, न्यू पे जाने के बाद सबसे पहला जो आप क्रिएट करेंगे क्या क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को क्या करेंगे आपको क्लिक करना होगा, प्रोजेक्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट को क्या करना है क्लिक करना है, देन नेक्स्ट ऑप्शन को जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन को जाने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम जैसे कि हमने प्रोजेक्ट का नाम लिया जावा, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम जावा टेस्ट नाम से हम क्या किए प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिए, किस नाम से किए जावा टेस्ट नाम से क्रिएट किए। देन यहाँ पे आपको क्या करना है फिनिश करना है, जैसे ही फिनिश करते हैं तो यहाँ पे मेरा जावा टेस्ट नाम का एक पैकेज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जावा टेस्ट नाम का पैकेज, सॉरी हमारा क्या है प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब प्रोजेक्ट के अंदर में जाना है, एसआरसी के पास जाना है, ये हमारा जो है प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। अब एसआरसी में जाना है, यहाँ पे अगेन आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू पे जाना है, न्यू पे जाने के बाद इस बार आपको पैकेज क्रिएट करना है। ओके, पैकेज को करना है, पैकेज का हमने नाम दे दिए, आपको पैकेज का नाम हमने दिए जावा, पैकेज का नाम क्या देते हैं टेस्ट टेस्ट जावा। ओके, पैकेज का नाम क्या क्या देते हैं टेस्ट जावा। ओके, टेस्ट देते हैं जावा। ओके, टेस्ट जावा, पैकेज का नाम हमने टेस्ट जावा देके फिनिश कर दिया, तो हमारा एक पैकेज क्रिएट हो गया। यहाँ पे देखिए मेरा सबसे पहले पैकेज सॉरी प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट का नाम क्या था जावा टेस्ट था, उसके अंदर में हमने टेस्ट जावा नाम का क्या किया पैकेज क्रिएट किए और इसी के अंदर में एक क्लास क्रिएट किया। क्लास कैसे क्रिएट होगा, न्यू पे जाएंगे, इस बार हमने क्लास ऑप्शन को क्लिक करेंगे और सपोज हमने हेलो नाम का प्रोग्राम करना है तो हेलो नाम का हमने क्या किए हेलो नाम का हमने यहाँ पे हेलो नाम का यहाँ पे हमने क्लास बना दी। ओके, हेलो सॉरी सबसे फर्स्ट लेटर जो होता है क्या होता है कैपिटल होता है, हेलो नाम से थी और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हमें पहले से देना है, तो इसको टिक करके यहाँ पे क्या करिए फिनिश किए। जैसे ही फिनिश किए हमारा एक क्लास बन गया जो कि क्लास का नाम होगा हेलो। ओके, यहाँ पे हेलो, तो ऑलरेडी क्लास क्रिएट हो गया। तो सबसे पहले इक्लिप्स में सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फाइल पे जाना पड़ेगा, न्यू पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे जो है आपको प्रोजेक्ट को क्लिक करना, प्रोजेक्ट को क्लिक करने के बाद आपको पैकेज सेकेंड जो हो पैकेज बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना है एसआरसी पे जाना पड़ेगा, देन एसआरसी पे जाने के बाद अगेन न्यू पे जाके यहाँ पे आपको पैकेज को क्लिक करना पड़ेगा। थर्ड थिंग आपको क्या करना पड़ेगा, जो पैकेज आपने बनाया उसको राइट क्लिक करना होगा, न्यू पे जाना होगा और क्लास, जैसे ही क्लास के इसको एक बार टेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे पब्लिक क्या होता है
आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, पब्लिक में ना एक्सेस मॉडिफायर होता है जो किसी भी पैकेज को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। स्टेटिक मेरा मेमोरी और रिकॉर्ड करता है, वाइड रिटर्न टाइप और मेन मेरा मेन क्लास है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म होता है, आपको सिस आउट के कंट्रोल प्लस सिस्टम प्रेस, ऐसे ही आपने प्रेस करते हैं तो आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे हेलो क्या करते हैं, प्रोग्राम को यहाँ पे बना के आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, देन यहाँ पे रन का एक ऑप्शन होगा, रन पे जाना है, रन एज पे जाके यहाँ पे जावा एप्लीकेशन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम का प्रोग्राम आपको यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि जेडीके कैसे सेटअप किया जाता है एंड इक्लिप्स में कैसे प्रोजेक्ट को रन किया जाता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इस टाइप का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहेगा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप लोगों को बताएंगे कि हेलो हेलो वर्ल्ड की प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, और हम व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल के बारे में आपको डीप में बताया जाएगा। यहाँ पे आपको एक सिंपल सा प्रोजेक्ट, एक सिंपल सा आपको जो है हमने यहाँ पे कैसे एक सिंपल प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है यहाँ पे आपको हमने सिखा दिया। नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा हेलो वर्ल्ड की प्रोग्राम कोई बताएंगे, देन वेरिएबल क्या होता है उसकी हमें जानकारी देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा व्हाट इज वेरिएबल होगा, तो आई होप वो वीडियो और भी हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।